तो साथियों, अगर आपने कोई भी चेक को लूज़ कर दिया है, बहुत प्रॉपर तरीके से कहीं खो दिया है, तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे उसको मेंशन कर सकते हो अपने बैंक ब्रांच जाकर कि सर मेरी ये चेक खो गई है और आप इसको बंद कर दीजिए, इससे कोई भी पेमेंट ना हो पाए। आप वो पन्ना हटा देना चाहते हो, वो लीफ को आप पूरी तरीके से बंद कर देना चाहते हो, स्टॉप कर देना चाहते हो, उसके सारे ट्रांजेक्शन रोकना चाहते हो, तो आज की वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप ये प्रोसेस कैसे कर सकते हो। वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट में आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूं। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। अगर आपके IDBI बैंक अकाउंट की कोई भी चेक बुक में से यहां पे आपकी कोई एक चेक लीफ खो गई है, आप बहुत ज्यादा परेशान हो अब कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि वो लीफ किसी दूसरे को मिल जाए और मेरे अकाउंट से पैसा निकल जाए या फिर पूरी तरीके से कहीं और ट्रांसफर हो जाए, तो आपको परेशान नहीं होना है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे बहुत आसान तरीके से यहाँ पे उसको मेंशन करना है, जिससे कि आपकी वो चेक की लीफ है उसको पूरी तरीके से स्टॉप कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, फिर वो किसी भी काम की नहीं रहेगी। तो यहाँ पे आपको कैसे मेंशन करना है कि भाई मेरी ये जो चेक बुक की जो लीफ है वो खो गई है, चलिए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है साथियों, इस फॉर्म को फिल करना है। ये फॉर्म आपको आपकी बैंक ब्रांच में ही मिल जाएगा और आप चाहो तो इस पर्टिकुलर फॉर्म को अपने गूगल क्रोम ब्राउजर से भी डाउनलोड कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं इस फॉर्म को फिल कैसे करना है। भाई तो यहाँ पर आपको आपकी ब्रांच का नाम लिख देना है, जिस भी ब्रांच में आपका खाता खुला हुआ है, ब्रांच का नाम आपकी पासबुक में दिया गया होगा, ब्रांच सोल मतलब आपको यहाँ पे आपका कोड लिखना है, ब्रांच का कोड जो भी है, डेट ऑफ रिक्वेस्ट जिस भी डेट में आप ये फॉर्म अपनी बैंक ब्रांच में सबमिट करो उसी दिन की डेट आपको यहाँ पे लिखनी है, कस्टमर नेम जिस नाम से आपका खाता खुला हुआ है वो नाम आपको यहाँ पे लिखना है, कस्टमर आईडी अगर आपके पास है तो फिल करिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो, अकाउंट नंबर आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे फिल कर देना है भाई, आपके पासबुक में दिया गया होगा। तो ये तो थी हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हम फिल कर चुके हैं। चलिए अब आते हैं अपनी प्रॉब्लम पर। प्रॉब्लम क्या है हमारी, दूसरे नंबर पर दिख रही होगी आपको, इशू ऑफ लूज चेक नंबर ऑफ लीव। मान लीजिए कि आपको यहाँ पे कितनी आपकी जो लीफ है वो खो गई है चेकबुक में से, तो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, लेकिन यहाँ पे बता रहा है ओनली वन चेक लीफ अलाउ, सीधी सी बात है, तो आपको कोई एक ऐसी चेक लीफ लिख देनी है, जैसे मान लो दूसरे नंबर की, चौथे नंबर की, पांचवें नंबर की, जो भी आपके नंबर की लीफ खो गई है वो नंबर आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। छठे नंबर की मान लीजिए मेरी लीफ खो गई है, तो यहाँ आपको मेंशन कर देना है, और उसके बाद इसके अलावा कोई और समस्या है तो वो भी आप यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन दिए गए मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज आपको सबसे पीछे के पेज पर आ जाना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप आओगे तो यहाँ आपको ऑप्शन दिख रहा होगा क्या, सबसे लास्ट में डेट, डेट आपको उसी दिन की फिल करनी है जिस दिन आप ये फॉर्म अपनी बैंक ब्रांच में सबमिट करो, प्लेस आपको एड्रेस फिल कर देना है बहुत प्रॉपर तरीके से, कस्टमर सिग्नेचर आपको वही करने हैं जो कि आपके खाते में लगे हुए हैं। जल्दबाजी में आप लोग क्या करते हो, कुछ भी सिग्नेचर कर देते हो, फिर कहते हो सर मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तो भाई ऐसी गलती नहीं करनी है, आपको उनको सही सही सिग्नेचर यहाँ पे करने हैं। तो चलिए यहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से आपको क्या करना है, इस फॉर्म को हम फिल कर चुके हैं, अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे भाई, डॉक्यूमेंट में आपको आपके आधार कार्ड की फोटो कॉपी लगा देनी है, पासबुक की फोटो कॉपी लगा देनी है, तीनों को अटैच करके आपको आपके बैंक एम्प्लॉय को दे देना है। तो साथियों, मैं आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट में आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक लिए ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू सो मच।